हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल करम से, आप सबकी दुआओं से हम भी हैं पहले से बेहतर। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस, अभी मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मुझे बताने के लिए भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ यहाँ हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी आप लोगों ने आसिफ जी का बर्थडे व्लॉग एंजॉय करा था, तो वही सब चीज़ें चल रही थी। और आपको ये भी पता था कि मैं ऊपर चढ़ी थी मचान के ऊपर और हस्बैंड के लिए गुडी बैग बनाने के लिए। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में क्या चीज़ आई क्या नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन हस्बैंड को जो मैंने गिफ्ट दिया वो सब आप लोगों ने देखा ही था। मुझे रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला वो मैं दिखा देती हूँ आपको। मुझे रिटर्न गिफ्ट में मिला है ये, तो कुछ एक सेकेंड। अरे यार, तो मेरे जो शोल्डर है ना उसकी हड्डी में इतना सा गैप आ गया, इसको मिनी फ्रैक्चर बोलते हैं। ये कहने के लिए मिनी है लेकिन इसमें जितना शिद्दत से दर्द है ना भाई साहब, मतलब मैं रातों को ना सो नहीं पा रही हूँ। आज मुझे 3-4 दिन हो गए, 23 तारीख से आज 27 तारीख हो गई है। लिटरली इतना पेन है, इतना पेन है। फिर पेन का मुझे इंजेक्शन भी लगा, जब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था तो इंजेक्शन भी लगाया डॉक्टर ने। और फिर ये पहनने के लिए नहीं, क्या कंधे का शोल्डर का ये पहनने के लिए बोल दे, इसको पहनना भी आसान नहीं। पता है यहाँ से ना ये गड़ता है मेरे को और मैं बार 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 इसको उधर उधर करती रहती हूँ। तो ये अपडेट है कि हाथ जो है ना मेरा मिनी फ्रैक्चर हो चुका है उसके अंदर। और बस यहाँ मुझे डॉक्टर ने बोला आराम करो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरीके का आराम करना। घर पे भी जो है ना, मैं मतलब आप लोगों को पता है मम्मी की तबीयत अभी कैसी है कैसी नहीं है। मम्मी की तबीयत में तो ये है कि जैसे थोड़ा सा सुधार है, बट मैं बताऊँ तो अभी भी वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो जाती हैं। दवाइयाँ प्रॉपर चल रही हैं उनकी, तो बुलबुल और अन्नू मम्मी के साथ हर वक्त लगे रहते हैं। बुलबुल मम्मी का खाना पीना ये सब मैनेज करती है, अन्नू जो है मम्मी का रूम साफ़ करना और मम्मी को साफ़ सुथरा करना, क्योंकि मम्मी को अभी इतना नहीं, वो डायपर वगैरह पहन रहे हैं तो अन्नू ही सब देखती है। मेरा काम सिर्फ खाली मम्मी को दवाइयाँ देने का है, क्योंकि मैं इस हाथ से सिर्फ खाली वही चीज़ कर सकती हूँ। और मेरे घर में भी यही है, और खाने पीने का ये है कि मम्मी के घर से ही आ रहा है, लेकिन मुझे लिटरली इतना सब ये अच्छा लग रहा है। बुलबुल हर वक्त किचन में लगी रही, तो वो ये कहती बाजी हाँ खा लेना या फिर मैं भिजवा दूँगी वो। मैं कहती बेटा नहीं, जितना हो सके मैं थोड़ी सी खुद कोशिश कर रही हूँ, या फिर मैं कोई मतलब हाउस हेल्पर ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल जाए। और जबकि इस बात पे मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है कि मुझे कोई हाउस हेल्पर मिलती नहीं है। 2 दिन दो अलग अलग लोग आए करके गए, लेकिन एक का मुझे पसंद आया तो उनको ये हो गया कि भैया नहीं करना, घर वाले मना कर रहे हैं। एक जो आ रही हैं वो बहुत अजीब व गरीब काम कर रही हैं और हर चीज़ का पैसा चाहिए। मतलब अगर मैं उनसे, अगर मेरे बालों में क्लेचर लगा दो तो उसके भी उनको अलग से पैसे चाहिए। ये चीज़ है। कल बस अब क्या ही बताऊँ, हस्बैंड को तो आपको पता ही है कि बिल्कुल फुर्सत ही नहीं होती आसिफ जी हमारा देखें कुछ वो करें, क्योंकि वो आते ही रात को 11:30 बजे हैं। तो बस यही सब चीज़ें चल रही हैं। मैंने कोई अपडेट नहीं दी थी अपने हाथ के बारे में, और मुझे भी नहीं पता था कि मतलब मुझे ये हाथ इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, मतलब एक उतारना। और मैं पहले जैसे हॉस्पिटल से आने के बाद ना, मेरे को मेरी बुआ जी वहाँ पे भी लेके गई, एक आंटी हैं जो नस वस वो करती हैं, तो उनके पास भी गई। तो जब उन्होंने इसको टच किया था ना, तो मुझे ऐसा लगा मेरा शोल्डर, देखो स्वेलिंग भी आ रही है पता है, इसमें फ़र्क भी बहुत। तो ये रातों को ना मुझे सोने नहीं देता दर्द मेरा। तो वो मुझे लेके गई, उन्होंने मेरा हाथ चटकाया, तो तब तो मुझे बड़ा आराम सा पड़ गया, लेकिन जब मैं सुबह, उन्होंने बोला था सुबह भी आ जाना, सुबह गई हूँ, जब उन्होंने मेरा हाथ चटकाया तो ये और भी ज़्यादा सूज गया मेरा शोल्डर, और इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा। मैं दोबारा डर के मारे उनके पास ही नहीं गई, फिर मैं डॉक्टर के पास ही गई। डॉक्टर ने कहा अभी छोटा सा क्रैक है, छोटा सा वो है, अगर तुम इस तरीके से ऐसे इधर उधर भागती रहोगी ना कुछ ज़रूर करवा लोगी। जब बोला है कि हाथ को स्थिर रखो और ये बैंड पहनो तो तुमको क्या दिक्कत आ रही है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बस अब वही है, बैंड पहन रखा है, और क्या सोच कर करा था और क्या ही हो गया। मैं जिस चीज़ को सोच के ज़्यादा एक्साइटेड थी, और पता है जो देख रहा है ना गली में भी, सब जने सब ये बोल रहे तुम्हें कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तुम फ्री नहीं रह सकती हो। अभी तुम्हारा पैर का हो गया था, फिर उसके बाद अभी उस दिन हाथ कट गया था जब मैं ग्लास धो रही थी, अब ये हो गया, मतलब मैं क्या ही बताऊँ।
और मैं ऐसी हूँ कि ज़रा सी देर में बड़ी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और ज़रा सी देर में बहुत जल्दी उदास भी हो जाती हूँ, तो सबको ही पता है। तो वीडियो शूट मैं कुछ करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि उसके बाद पता नहीं वीडियो मैं बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी, अभी मन नहीं हो रहा वीडियो बनाने का, बात करने का। और मुझे अभी सेंसेस भी नहीं आ रहे, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा कि बात क्या करनी है कैसे करनी है। बस मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, हालाँकि मेरी मेडिसिन मैंने खा ली है, पेन किलर भी खा लिए हैं, लेकिन फिर भी। और घर का तो बस अरे बाबा इनाए तू, बच्चे आज नाश्ता कर रहे हैं, मैंने इनको हाफ़ फ्राई बना के दे दिया, चाय में बना लेती हूँ हाफ़ फ्राई बना देती हूँ, तो बस ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। हस्बैंड जो है हमें चाय और पापे दे के चले गए थे, उन्होंने भी खाली चाय पी थी। तो ये कुछ ऐसा सा सीन हो गया है जिसमें कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सोचा क्या था हस्बैंड के साथ जाने का, हमारा प्लान ही यही था कि ऑफ़िस जाएंगे, ऑफ़िस से जल्दी निकलना था हमें, उसके बाद हमें मूवी देखने जानी थी, यही सब करना था, और कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। तो बस अल्लाह की मर्ज़ी, हम क्या कहती हूँ मैं उस बात को ना कि हम बेहतर की तलाश में होते हैं, अल्लाह बेहतरीन करता है, तो इसमें भी कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी होगी, अल्लाह जाने कि अल्लाह को क्या मंजूर है क्या नहीं। लेकिन मुझे ना ये हड्डी वड्डी टूटने से बड़ा ही डर लगता था, और टचूट अभी तक अल्लाह के हुक्म से इतनी बड़ी हो गई थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, लेकिन ये होनी थी तो होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन मुझे बहुत आलस आ रहा है कि आलस ये आ रहा है कि पता है मन कर रहा है घर का सारा काम जल्दी से फटाफट से कर लूँ, ये खाना बना लूँ वो खाना, फेस्टिवल सीज़न चल रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा सा बनाती कुछ करती, तो अभी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इवन मैं तो हेड वॉश भी नहीं कर पा रही, क्योंकि वो भी जाके कल मैं पार्लर से करा कर आई, क्योंकि आसी जी चले गए थे ऑफिस जल्दी, तो मुझे हेड वॉश करना था, तो वो भी मैं बाहर से ही करा कर लेकर आई। आप सबसे बस यही है कि आप सब लोग दुआ कीजिए हमारे हक में कि अल्लाह सब बेहतर करे, और अल्लाह जल्द से जल्द हमें अच्छा कर दे। अच्छा मेरा सोना आया है, क्या कहने आया है आप बताइए, बताइए बताइए बताइए, गंदू खाना खाते वक्त ऐसे नहीं करते। तो बस यही मैं अपडेट आपको देने वाली थी कि मिनाज बोलती है आप भाई जी के प्यार में तो दीवाने क्यों हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्यों, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और उनके दीवानगी में गुजर। अब जब भी कोई पूछ रहा है ना कि क्या हो गया था, तो अनु कहती है गुड्डी बैग बना रही थी, गुड्डी बैग बना, वो गुड्डी बैग बनाना मेरे लिए इतना भारी पड़ जाएगा, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि दर्द में हो तब भी हंस रही हो, यार मेरा फेस ही ऐसा, मैं क्या करूँ। हाँ लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है, जब कुछ होता है, तो वो एक अलग फेस होता है, लेकिन मैं जितना हो सके कोशिश ये करती हूँ कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा करूँ। इन अल्फिया मैं थप्पड़ मार दूंगी अगर इधर से उधर ट्रांसफर हुई चीज़, वहीं जाके खाना नाश्ता करो। अल्फिया ना बहुत ज़्यादा अभी परेशान करने लगे, बहुत ज़्यादा। अच्छा इस बीच मैं आपको बता देती हूँ, कल था इनायत का स्कूल में दिवाली फेयर, जिसके लिए इनायत रेडी हुई थी, तो वो क्लिपिंग में मैं अब बाद में लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। और इनायत को बहुत मज़ा आया था अपने दिवाली फेस्ट में, शाम को मैं उसको लेके भी स्कूल से मैं ही आई थी कि चलो। और इनायत ने भी एक हरकत करी, वो स्कैरी हाउस में गई थी, तो उसने इतनी ज़ोर से मेरे कंधे पे हाथ मार के बताया, मैं रिक्शे में ही चीख पड़ी थी, और मैंने इनायत को तभी एक थप्पड़ मारा, मैंने इनायत मेरे कंधे में ऑलरेडी लगी। अच्छा हस्बैंड बोल रहे थे तुमने ये वाला जो लिया है ना ये सही नहीं लिया, और मुझे डॉक्टर ने जो बोला था, मैंने तो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें मंगाई हैं। क्या वाला? अच्छा इनायत को जो है, इनायत के क्लास में, इनायत के स्कूल में जो है, इनायत को नहीं नहीं इनायत के ट्यूशन में इनायत को सेकंड प्राइज़ मिला है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था, तो उसकी दीदी ने कहा था जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड आएंगे मैं उनको गिफ्ट दूंगी, तो इनायत को सेकंड मिला है ना इनायत को, इनायत को सेकंड प्राइज़ मिला है, बहुत ही प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स। और बात ये होती है कि बच्चे की मेहनत को अप्रिशिएट करा गया, इनायत इतना अच्छा कर लिया उसने इस बार, और दीदी ने भी और मैडम ने भी यही बोला कि आगे और भी बेहतर कर सकती है, अभी सेकंड आई है, इनायत के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो फर्स्ट भी आ सकती है, तो हमें इनायत से यही उम्मीद है कि इनायत फर्स्ट आके दिखाए। और बस आप सब लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम लोगों को दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस ये एक महीने के लिए डॉक्टर ने मुझे बोला इसको लगाने के लिए,
आई होप ये जल्दी ही उतर जाए, उतरता तो रहता है लेकिन बस वो ये सोने में मुझे बहुत दिक्कत आती है, मुझे नींद नहीं आ पा रही है। मैं कल रात को भी 3 बजे तक लिटरली ऐसे ही बैठी हुई हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ, और थोड़ा मुझे डर भी ये लगता है बच्चे मेरे आसपास होते हैं ना कि इनका हाथ ना लग जाए, मैं इधर से उधर होती रहती हूँ और परेशान होती रहती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए खटोला मंगवाऊँ, छोटी चरपाई जो होती है ना उसे मैं यहाँ डाल के मैं आराम से फिर उस पर सोऊंगी, क्योंकि वहाँ पर शायद मैं सो सकती हूँ, वहाँ मेरे हाथ को कोई कुछ नहीं करने वाला होता है ना। मैं आंसू जिस रात को बस ये बोल रही हूँ कभी पता है हड्डी टूटने का दर्द क्या होता है, कह रहा नहीं यार मुझे नहीं पता। मैंने कहा अल्लाह कभी किसी को पता भी नहीं लगा, हर किस्म का दर्द जो होता है ना वो बहुत बेकार ही होता है, बहुत ज़्यादा बेकार। तो चलिए गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ स्टॉप। हाँ बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मम्मा के फ्रेंड्स और बढ़ाइए, मम्मा के सब्सक्राइबर्स और बढ़ाइए। तो ये था एक छोटा सा अपडेट जो कि मुझे आप लोगों को देना था। और शूटिंग करी थी मैंने जिस दिन बुलबुल के सास ससुर आए थे वो करवा चौथ वाला दिन था, तो शूटिंग करी थी, अभी तक वो अपलोड नहीं करा है। इसके बाद मैं वही व्लॉग अपलोड करूँगी, उसी के अंदर थोड़ा बहुत काम करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी वेशभूषा मेरी थोड़ी सी इसी तरीके से हो रही है, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। और बस बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, आप प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह सब बेहतर करे और अल्लाह आप सबकी भी सारी परेशानियां दूर करे। तो चलिए हम आप सभी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कट करो।